शंख ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। तो शंख ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सभागार में आगमन पूरे उत्साह के साथ आइए। देश की सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। विद्या भारती के स्कूली छात्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना आनंद लोक में प्रस्तुत कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। वे इसे बांग्ला तथा संस्कृत भाषा में सुना रहे हैं। सबसे हृदय से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। नए भारत की एक वानगी प्रस्तुत कर रहा है ये भारत मंडपम, जिसकी नींव ईंट पत्थर पर ही नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विचारों, दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों पर भी टिकी है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस अवसर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सम्मानित केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, उद्योग जगत की सभी विशिष्ट शख्सियतों, माइस इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित अतिथियों, विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सेक्टोरल एसोसिएशंस, मिशंस के ट्रेड काउंसलर्स, विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख तथा सभी सम्मानित महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। उम्मीदों की नींव पर खड़ी ये इमारत विशाल है रूप, नए भारत का झलकता स्वरूप, उत्तम से सर्वोत्तम की भाषा तय करती, सर्वश्रेष्ठता के हर स्तर को अभिव्यक्त करती, जिसमें हैं सुविधाएं अपार जो दे सकती हैं कल्पनाओं को विस्तार। वैश्विक मंच पर नए भारत का उद्घोष है ये, 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम, जिसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक क्षेत्र में रचनात्मक सृजनात्मक आयोजन व्यापक रूप से संभव हो सकेंगे, जो इन क्षेत्रों में विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आइए इस शुभ अवसर को देश की जीवंत संस्कृति के विविध रंगों से सजाते हैं, विभिन्न कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ, जिसका शीर्षक है ओजस्वी। ओजस्वी के प्रथम चरण में नृत्य प्रस्तुति में जीवनदायिनी सूर्य की मंगलाचरण पूजा, शुभ कार्य से पहले की गणेश पूजा और सृजनात्मकता नटराज की पूजा सम्मिलित है। सुप्रसिद्ध कलाकार संतोष नायर द्वारा इस प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया गया है और म्यूजिक कॉम्पोजिशन दी गई है शंकर महादेवन और तीन बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके रिकी केज के द्वारा प्रस्तुत है ओजस्वी की प्रथम प्रस्तुति। प्रसीद मम भास्कर दिवाकर
ಗೌರವರ ಪೂಜಿತ ಜಿತ ದಾನವ ಕಲವ ಸ್ವರವರ ಲಂಬೋದರ ದರ ಹರ ಹರ ಕಲವ ನೌಮಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತಂ ಗಣಪತಿ ಮತಿ ವರದಂ ವರದಂತಿ ಮುಖಂ ಸುಮುಖಂ ಸಾದರ ಮೇ ಕರದಂ ವರದಂ ವಿಪದು ದಧೌತಂ ಧೌತಮಲಂ ಶಮಲಂ ಶಮಲಂ ವಿದಮಪಿ ದದತಂ ಹತ ಪಾಪಿ ಶಮಲಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಕಾಂತಂ ಕಲಿತೈಕಾಂತಂ ಕಲಯೇ ಸುದುರಂತಂ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಚರಣಂ ವಿಜಿತರಣಂ ಶರಣಂ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಚರಣಂ ವಿಜಿತರಣಂ ಶರಣಂ ಯಾಮೋಯಮಿರಂ ಶರಣಂ ಕೃತಮತ ಸುವಿತರಣಂ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಜಿತ ದಾನವ ಕಲಭ ಸುರವರ ಲಂಬೋದರ ದರ ಹರ ಹರ ಕಲಭ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.
संतोष नायर जी अपने समूह के साथ। ओजस्वी के दूसरे चरण में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाराष्ट्र की लोकप्रिय लोक कथा परंपरा पोवाड़। आज पोवाड़ा नए स्वरूप में हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हमारे देश की विविधता की विरासत को नए युग के भारत के साथ पिरोकर प्रस्तुत की जा रही है। और आज पोवाड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष कलाकार। दरअसल वे लोग जो पोवाड़ा लिखते और गाते रहे हैं उन्हें शाहिर कहा जाता है, और आज शाहिर हैं संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित नंदेश उमप, जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पोवाड़ प्रस्तुत करता आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान का भी आह्वान कर रहा है ये पोवाड़ा। और इस प्रस्तुति के अंत में पोवाड़ा के साथ 100 कलाकार एक साथ शास्त्रीय लोक नृत्य और साथ ही साथ मुखौटा नृत्य का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है ओजस्वी। मेरा बड़ी शान वाला जी जी जी, देश मेरा बड़ी शान वाला जी जी, देश मेरा बड़ी शान वाला जी 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 जी, जी। कृष्ण परमहंस आए, वर्धमान महावीर आए, वर्धमान महावीर आए, योगी महात्मा संत आए, योगी महात्मा संत आए। कसम है तुमको गीता की और उस रामायण की, कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की, बाइबल कुरान की, कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की, बाइबल कुरान की, कसम है हमको तुमको सबको ऊपर वाले की, कसम है तुमको साबरमती के महात्मा गांधी की, कसम है तुमको साबरमती के महात्मा गांधी की, कसम है तुमको छत्रपति शिवाजी राजा। कसम है तुमको देश वीरों की, सुभाष बाबू की, कसम है तुमको देश वीरों की, सुभाष बाबू की, एक ही धरती एक आसमां एक ही ईश्वर है,
से बने हैं हम सब, ना कोई अंतर है। एक खून से बने हैं हम सब, ना कोई अंतर है। भाइयों बहनों, भारत में कई भाषाएं हैं, इन सभी को एक साँचे में ढालने वाला डॉक्टर बाबा साहब जी का संविधान है। इसे संविधान ने समान शिक्षा का अधिकार दिया है। इसी का धागा पकड़कर 2014 से लेकर 2023 तक भारत विकास के परम शिखर पर चढ़ रहा है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा गूंजता है। स्वच्छ भारत अभियान गांव गांव में चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होने लगा है। होने लगा है। देश के इस युवा शक्ति को बढ़ावा देने को आत्मनिर्भर भारत पूरा देश हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत पूरा देश हो रहा है। मेरा देश बदल रहा है। विकास कामों की चांद पे पहुंचा चंद्रयान, चांद पे पहुंचा चंद्रयान, वो मेरा भारत देश महान जी 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 जी, वो मेरा भारत देश महान जी 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 जी। धन्य भारतम, 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 धन्य भारत, पोवाड़ा की ये प्रस्तुति, अद्भुत कला का प्रदर्शन, असीम है भारत की कला प्रतिभा। आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न हिस्सों के मुखौटे जो इस नृत्य में प्रस्तुत किए गए, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का एक अनुपम उदाहरण ये नृत्य प्रस्तुति। और अब मैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत के और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारत की सोच बदली, भारत की मानसिकता बदली और हम सबको प्रेरणा दी कि हम सब
एक विकसित भारत की तरफ कर्तव्य भावना से चल निकले, ऐसे हमारे सबके श्रद्धे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी मंत्रिमंडल में माननीय मंत्रीगण, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बीच उपस्थित अलग अलग देशों के मिशन के प्रतिनिधि, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, एक्सीलेंसीज, सभी सम्मान्य सांसदगण, यहां उपस्थित भारत के उद्योग और वाणिज्य जगत से जुड़े देश भर से आए, विशेषकर जिनका निर्यात और देश की आर्थिक जगत से संबंध है, ऐसे सभी महानुभाव जो बड़ी संख्या में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन वचन सुनने आए हैं, मीडिया के हमारे मित्रों, सभी सम्मान्य अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आज हम सबको रूबरू मिलने के लिए समय दिया, और जो उनकी सोच है, जिस प्रकार से उन्होंने कल्पना की इस भव्य इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी चीज, इस पूरी योजना का शिल्प के रूप में, शिल्पकार के रूप में आइडियाज दिए, आर्किटेक्चरल डिटेल में गहराई से देखा, हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया, बहुत तेज निगरानी रखी क्या हो रहा है इस कार्यक्रम में, और गत वर्षों के हमारे श्रमजीवियों के प्रयासों से हमारे देश के आर्किटेक्ट, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो मेसन हो, चाहे वो कारपेंटर हो, सभी ने मिलकर अपने अथक परिश्रम से ये सुंदर जो पूरा कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी जो जुड़े हुए इस प्रकल्प के साथ श्रमजीवी हैं, सभी का साधुवाद करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज भारत मंडपम के लोकार्पण का कार्यक्रम है, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वर्षों वर्षों से हम में से कई लोग यहां पे आते हैं, यहां पे एग्जीबिशंस रखते हैं, अटेंड करते हैं, कभी टेंट में एग्जीबिशन हो रही है, कोई पंडाल लग रहा है, अलग अलग प्रकार से हमने कठिनाइयां झेलते हुए गत लगभग 50 वर्षों से यहां पे एग्जीबिशंस करी, देखी, और एक प्रकार से इतने वर्षों से किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका आधुनिकीकरण किया जाए, इसको भारत की बढ़ती हुई जो शक्ति है, जो ताकत है, इसका एक रूप में पेश किया जाए, और जो आगे आने वाला कल है उसकी जरूरतों के लिए तैयार किया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, जो उन्होंने एक कल्पना की कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो भारत की सोच भी बदलनी पड़ेगी, भारत की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी, और ये जो पूरा प्रकल्प बना, ये एक प्रकार से उभरते हुए भारत के प्रतीक के रूप में आज आप सबके सामने
खड़ा है। मित्रों, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहां पे हमारे किसानों का उत्पादन, हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के एमएसएमई सेक्टर के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सबको हमारे आर्टिसंस कारीगर जिस प्रकार से देश में विभिन्न इंडस्ट्रीज को आज हमें विश्व को दिखाना है, उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त स्थान अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश को समर्पित करने का हमें समय दिया। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये एक प्रकार से जो एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी उद्योग और व्यापार को सरल करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस बर्डन कम करना, कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, स्टार्टअप इंडिया को बल देना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना, ऐसे अलग अलग योजनाओं से जिस प्रकार से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसी तरफ दूसरा जो पहलू है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आगे आने वाले कल के लिए भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। और आज अगर हम इस पूरे प्रांगण को देखें तो ये एक संगम है हमारी विरासत का, हमारी परंपराओं का, और हमारे अति आधुनिक जो क्षमताएं हैं उसको दिखाने का एक ये पूरा प्रकल्प आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। जो नाम दिया गया है भारत मंडपम, ये वास्तव में भगवान बसवेश्वर ने एक समय अनुभव मंटपा के नाम से अ पवेलियन फॉर पब्लिक सेरेमनीज, जहां जनता का दरबार लग सके, जनता कार्यक्रम कर सके, ऐसी एक कल्पना आज से लगभग 800 साल पहले भगवान बसवेश्वरा ने की थी। और आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसी प्रकार का एक अनुभव मंटप जो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार विमर्श करने के लिए उपलब्ध होगा, अलग अलग सुविधाओं से युक्त होगा, छोटे बड़े सबके लिए काम में आएगा, और एक अच्छा भारत का भविष्य निर्माण करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 5 प्रण दिए हैं, जो एक विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक हम सबको कर्तव्य भावना से काम करने के लिए प्रेरणा दी है, उसके लिए आज भारत मंडपम आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हम सबको आगे के लिए नई सोच के साथ एक आधुनिक और विकसित भारत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप सब देश के कोने कोने से यहां आए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और पुनः एक बार नमन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया और इस देश को आगे लेके जाने के लिए, इस देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मान्यवर, प्रत्येक कार्य को तय समय में संपूर्णता की ओर लेकर जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है भारत मंडपम, जो नए भारत की पहचान है, विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रतीक, वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति का उद्घोष। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण कर भारत मंडपम राष्ट्र को समर्पित करें।
दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब, जिसका आकार है अद्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास, जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। दिल्ली की पहचान, हमारा प्रगति मैदान, अब अपने नए रूप में सभी के स्वागत को तैयार है। 3 नवंबर 1972 अंतर्राष्ट्रीय मेले एशिया 72 से शुरू हुआ प्रगति मैदान का सफर, तब से लेकर आज तक ये स्थल बना कई ऐतिहासिक प्रदर्शनियों का हम सफर। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 21वीं सदी के भारत के अनुरूप आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि नए भारत में बढ़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही ईज ऑफ लिविंग। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले। 123 एकड़ में बने इस एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट के जैसे विश्व के 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स में होगी, जहां 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशन्ड कन्वेंशन सेंटर और 3 ओपन एम्फीथिएटर बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर यानी 26 फुटबॉल फील्ड्स जितने कवर्ड एरिया में फैले प्रगति मैदान 2.0 में कुल 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स हैं। इसके लेवल 3 पर बने हॉल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर भी इस कन्वेंशन सेंटर के समिट रूम को मिलेगा। यहाँ 116 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है। जीरो से इसरो तक भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत है। भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। देश के विभिन्न प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामग्री और कलाओं के सम्मिश्रण से बना IECC का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। एक तरफ जहां इस सेंटर में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, वहीं हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरों द्वारा वोकल फॉर लोकल का ये मंच भी होगा। भविष्य में यहां होने वाले आयोजन भारत को विश्व की 5वीं से 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सभी आधुनिक सुविधाओं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट से परिपूर्ण IECC लग्जरी, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिस्टिकल वायबिलिटी और सेफ्टी का एक अनोखा संगम है, जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार सृजन भी होगा। अतिथि देवो भवः की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का मंच बनने के लिए तैयार है, जिसे आज माननीय प्रधानमंत्री देश को समर्पित कर रहे हैं। भारत मंडपम देश को समर्पित करने के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत ने 1 दिसंबर 2022 में एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस ऐतिहासिक अवसर को चिन्हित एवं गर्वित करने के लिए आज स्मारक डाक टिकटें एवं स्मारक सिक्के जारी किए जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि G20 पर 2 स्मारक डाक टिकटों तथा 2 स्मारक सिक्कों को रिमोट का बटन दबाकर जारी करें। Thank you.
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सर्वस्पर्शी हो विकास, सर्वहित का हो विकास, समावेशी हो विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अवधारणा से आज देश लाभान्वित हो रहा है। आपकी दृढ़ शक्ति हमें प्रेरणा देती है, आपके विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आपके वचन हमें नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि आज के इस विशेष अवसर पर कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। नमस्कार। एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने है। भव्य है, विराट है, विहंगम है और आज का ये जो अवसर है इसके पीछे जो कल्पना है और आज हमारी आंखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां गुनगुनाने का मन करता है। नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। आज के ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। कोरोना के कठिन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था, हमारे देश के श्रमजीवियों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण पूरा किया है। भारत मंडपम के निर्माण से जुड़े
हर श्रमिक भाई बहन को, हर कर्मी को आज सच्चे हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। आज सुबह मुझे इन सभी श्रमजीवियों से मिलने का मौका मिला था। हमारे इन श्रमिक साथियों को सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज उनकी मेहनत देख पूरा भारत विस्मित है, भारत चकित है। मैं राजधानी दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां देश के कोने कोने से अतिथि आए हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो करोड़ों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन वैसे भी हर देशवासी के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था, उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, भारत मंडपम के इस नाम के पीछे, और जैसा अभी पीयूष जी ने बताया, भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरणा है। अनुभव मंडपम यानी वाद और संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति, अनुभव मंडपम यानी अभिव्यक्ति, अभिमत। आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तमिलनाडु के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेखों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सदियों से हमारा गौरव रही है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, आज पूरी दुनिया
इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और समिट्स की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ऐसे कार्यक्रम कभी एक देश में तो कभी दूसरे देश में होते हैं। ऐसे में भारत में देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर होना बहुत ही जरूरी था। यहां जो व्यवस्था थी, जो हॉल्स थे, वो कई दशक पहले यहां बने थे। पिछली शताब्दी की वो पुरानी व्यवस्था 21वीं सदी के भारत के साथ कदम ताल नहीं कर पा रही थी। 21वीं सदी के भारत में हमें 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला निर्माण करना ही होगा। इसलिए ये भव्य निर्माण, ये भारत मंडपम आज मेरे देशवासियों के सामने है, आपके सामने है। भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जिबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप्स की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बनेगा। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है। और भारत मंडपम आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का प्रतिबिंब बनेगा, यानी इकोनॉमी से इकोलॉजी तक, ट्रेड से टेक्नोलॉजी तक, ऐसे हर आयोजन के लिए ये विशाल परिश्रम और ये विशाल परिसर, ये भारत मंडपम बहुत बड़ा मंच बनेगा। साथियों, भारत मंडपम जैसी इस व्यवस्था का निर्माण कई दशक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कार्य काम मेरे हाथ में ही लिखे हुए हैं। और हम देखें, दुनिया में किसी देश में अगर एक ओलंपिक समिट होता है, पूरी दुनिया में उस देश का प्रोफाइल एकदम से बदल जाता है। आज के विश्व में इन चीजों का महत्व बहुत बड़ा हो गया है और देश का प्रोफाइल भी बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं जो कुछ न कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करती है। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं, नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की, खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है
हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी फ्रंट पेज पर, ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था, अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पद बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे, यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी, और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वह टुकड़ों में सोचकर, टुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। आज ये कन्वेंशन सेंटर, ये भारत मंडपम इस बात का भी गवाह है कि हमारी सरकार कैसे होलिस्टिक तरीके से बहुत दूर की सोचकर काम कर रही है। इस जैसे सेंटर्स में आना आसान हो, देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सके, इसलिए आज भारत 160 से ज्यादा देशों को ई कॉन्फ्रेंस वीजा भी की सुविधा दे रहा है। यानी सिर्फ ये बनाया ऐसा नहीं है, पूरी सप्लाई चेन, सिस्टम चेन, उसकी व्यवस्था की है। 2014 में दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी भी सालाना करीब 5 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की थी, आज ये भी बढ़कर सालाना 7.5 करोड़ पैसेंजर हो चुकी है। टर्मिनल 2 और 4वां रनवे भी शुरू हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इसे और शक्ति मिलेगी। बीते वर्षों में दिल्ली एनसीआर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री का भी काफी विस्तार हुआ है, यानी कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का हमने बिल्कुल प्लान वे में प्रयास किया है। साथियों, इसके अलावा भी यहां राजधानी दिल्ली में भी बीते वर्षों में जो निर्माण हुए हैं वो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसका सर देश की नई संसद देखकर के ऊंचा नहीं होगा। आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है, पुलिस मेमोरियल है, बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल है। आज कर्तव्य पथ के आसपास सरकार के आधुनिक ऑफिसेज, दफ्तर, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हमें वर्क कल्चर भी बदलना है, वर्क एनवायरनमेंट भी बदलना है। आप सब ने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम से, आज नई पीढ़ी को देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में वहां जानने का मौका मिल रहा है। जल्द ही दिल्ली में, और ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी, दुनिया के लिए भी खुशखबरी होगी, जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा
और जब मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत भी बनने जा रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता था। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, इस सिद्धांत को अपनाते हुए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कहा भी गया है, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। हम पहले से बड़ा निर्माण कर रहे हैं, हम पहले से बेहतर निर्माण कर रहे हैं, हम पहले से तेज गति से निर्माण कर रहे हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क आज भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है। साथियों, आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पर था। जब हम मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा।
यानी तीसरे टर्म में पहली तीन इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप थ्री इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। निर्माण की क्रांति चल रही है। बीते 9 साल में भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, 34 लाख करोड़। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे, नए रेल रूट, नए ब्रिज, नए अस्पताल। आज भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है यह वाकई अभूतपूर्व है। 70 साल में ये, और मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिसाब किताब के लिए कुछ रेफरेंस जरूरी होता है। और इसलिए मैं उस रेफरेंस के आधार पर बात कर रहा हूं। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, 20,000 किलोमीटर, जबकि पिछले 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ।2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, किलोमीटर मत समझना, सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। ।2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 से पहले देश में करीब करीब 70 के आसपास ही हमारे एयरपोर्ट थे, 70। आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर
150 के आसपास पहुंच रही है। 2014 से पहले देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सिर्फ 60 शहरों में था, 60। अब देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। साथियों, बदलता हुआ भारत आज पुरानी चुनौतियों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर, परमानेंट सॉल्यूशन पर जोर दे रहे हैं और इसका एक उदाहरण पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी है। यहां उद्योग जगत के साथी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप जाकर उस पोर्टल को देखिए। देश में रेल रोड जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कूल बनाने हो, हॉस्पिटल बनाने हो, ऐसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इसमें अलग अलग लेयर के 1600 से ज्यादा अलग अलग लेयर्स के डेटा उसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। कोशिश यही है, देश का समय और देश का पैसा पहले की तरह बर्बाद ना हो। साथियों, आज भारत के सामने बहुत बड़ा अवसर है। आज से 100 साल पहले, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, आज से 100 साल पहले जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था, तो वो पिछली शताब्दी का तीसरा दशक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1923-1930 का वो कालखंड याद कीजिए। पिछली शताब्दी का तीसरा दशक भारत की आजादी के लिए बहुत अहम था। इसी प्रकार 21वीं सदी का ये तीसरा दशक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ललक थी, लक्ष्य था स्वराज्य का। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। उस तीसरे दशक में देश आजादी के लिए निकल पड़ा था। देश के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देती थी। स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं, सभी विचार, चाहे वो क्रांति का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो, सारे मार्ग पूर्ण रूप से जागृत थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इसके 25 साल के भीतर भीतर देश आजाद हो गया। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था।
हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। और साथियों, मैं अनुभव से कहता हूं, मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देश की शक्ति को भलीभांति समझा है, देश के सामर्थ्य को जाना है, और उसके आधार पर मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, भारत मंडपम में खड़े होकर के ये सुज्ञ जनों के सामने कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है, अवश्य हो सकता है। भारत गरीबी दूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आधार है, वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 5 साल और भी इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में अति गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो खत्म होने के कगार पर हो रहे हैं। यानी बीते 9 वर्षों में देश ने जो नीतियां बनाई है, जो निर्णय लिए हैं, वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। साथियों, देश का विकास तभी हो सकता है जब नीयत साफ हो, नीति सही हो, देश में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नीति हो। भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान पूरे देश में हो रहे G20 के आयोजन भी इसका एक प्रेरक उदाहरण है। हमने G20 को सिर्फ एक शहर, एक स्थान तक सीमित नहीं रखा, हम G20 की बैठकों को देश के 50 से ज्यादा शहरों में ले गए। हमने इसके माध्यम से भारत की विविधता को शोकेश किया है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति क्या है, भारत की विरासत क्या है, विविधताओं के बीच भी भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, भारत किस प्रकार से विविधता को सेलिब्रेट करता है। आज दुनिया भर से लोग इन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। G20 की बैठकों के लिए अनेक शहरों में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, पुरानी सुविधाओं का आधुनिकीकरण हुआ, इससे देश का फायदा हुआ, देश के लोगों का फायदा हुआ। और यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है। नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट की भावना पर चलते हुए ही हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका यहां आना, ये अपने आप में आपके दिल के कोने में भी भारत के ये जो सपने पड़े हैं ना, उन सपनों को खाद पानी देने का ही अवसर है जी। एक बार फिर भारत मंडपम जैसी शानदार सुविधा के लिए दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इतनी बड़ी तादाद में आप आए, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका हृदय से आभार। देश को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने को समर्पित, विकास सुशासन के नए युग की नींव रखकर विकास के नए अध्याय का प्रारंभ करने वाले, विश्व मंच पर भारत की साख को बढ़ाने वाले हमारे देश के सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आप सबसे अनुरोध करूंगी, आप सब लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। जब आप सब यहां से प्रस्थान करें तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस द्वार से आए हैं।